कुछ देर में लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। लखीमपुर खीरी के सिमरा घाट गांव जाएंगी प्रियंका। अभद्रता पीड़ितों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ऋतु उनकी प्रस्तावक अनीता से भी मिलेंगी। सिमरा घाट गांव में प्रियंका को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, तो प्रियंका गांधी का काफिला बहुत जल्द लखीमपुर पहुंचने वाला है। और यहाँ का सिमरा घाट गाँव जहाँ पर ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और उनकी प्रस्तावक यानी ऋतु और अनीता के साथ मुलाकात करने जा रही है प्रियंका गांधी, और उनके यहाँ पहुंचने से पहले सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं, आज लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली हैं। उसके रास्ते में है प्रियंका गांधी और ये उनके काफिले की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक के बाद एक गुजरती गाड़ियां, लगभग 40 से 50 गाड़ियों का काफिला प्रियंका गांधी का है इस वक्त है और लखीमपुर पहुंचने जा रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी, प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक ऋतु और अनीता के साथ मुलाकात करके शाम तक वापस लौटेंगी। अमेठी रायबरेली के ब्लॉक अध्यक्ष से भी मिलेंगी प्रियंका गांधी। प्रतियोगी छात्रों के साथ भी मीटिंग करेंगी। पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं, प्रियंका के दौरे से जुड़ा हुआ पूर्व एमपी पूर्व एमएलए के साथ भी बैठक करेंगी। कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी। कल लखनऊ से अपने दौरे की शुरुआत की थी, आज लखीमपुर खीरी में है। सिमरा घाट गांव जा रही है, सुरक्षा चाक चौबंद है और दिन भर लखीमपुर खीरी में ही उनके कार्यक्रम है, उसके बाद शाम को वो लौटेंगी। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। नॉनस्टॉप कवरेज प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जुलाई को जिस ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ऋतु नाम की महिला के साथ अभद्रता हुई थी और उनकी प्रस्तावक अनीता उनके साथ मुलाकात करने जा रही है आज, और प्रियंका गांधी के पहुंचने से पहले सिमरा घाट गांव में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। अभद्रता पीड़िता से मुलाकात करेंगी, इसके अलावा एक रेप पीड़िता के घर भी जाएंगी, उसके परिवार से मुलाकात करेंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। विवेक, कितनी देर में लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी और जिन महिला प्रत्याशी और प्रस्तावकों से अभद्रता हुई, क्या उनसे मिलने का कार्यक्रम पहले से तय था या ही अभी ऐड किया गया है? जी देखिए आशा, करीब 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जिस रास्ते से जो हाईवे से एक दूसरा रास्ता गांव की तरफ जा रहा है वो करीब 30-40 किलोमीटर लंबा रास्ता है और काफी खराब रास्ता है वो, और बीच बीच में कई जगह पर स्टॉपेज भी है उसमें। तो ये विलंब इसीलिए हो रहा है क्योंकि रास्ता बहुत खराब है, इसलिए जो फ्लीट है उसकी स्पीड कम हो जाती है। कई बार अक्सर ये होता है कि कहीं पर रुकना पड़ता है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भी कुछ देर पहले ऐसा लग रहा है पानी भी बरसा है, बारिश भी हुई है इससे पानी भरा हुआ है, तो रास्ते की वजह से थोड़ा विलंब लग रहा है। अब तक उनको पहुंच जाना चाहिए था लेकिन 20-25 मिनट का समय और लगेगा, वो पहुंच जाएंगी और उसके बाद वहां पर जो पीड़िता है महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करेंगी। ये शेड्यूल था, इनका प्रोग्राम तय था पहले से ही कि जो रेप पीड़िता है उनसे मुलाकात करेंगी। 3 जो नाबालिग बच्चियां हैं, इसके अलावा जो अभद्रता का शिकार हुई थी जिला पंचायत चुनाव के दौरान जो महिला अभद्रता का शिकार हुई थी उससे भी, हालांकि वो महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, लेकिन प्रियंका गांधी वहां जाके उससे मुलाकात करेंगी। उनका मुद्दा जो है वो महिला उत्पीड़न और महिला हिंसा, महिलाओं के प्रति अभद्रता, इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है, जो सबसे संवेदनशील है, जिसको लेकर वो योगी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी इस बात को लेकर हमला कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इसके पहले जो रेप पीड़िता है 3 बच्चियां, उस कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार लल्लू, वो भी जाकर उनसे मिलकर आए थे, उनके लखीमपुर स्थित घर पर जाकर मिलकर आए थे। तो ये सारी सियासत जो है वो वोट के लिए है, राजनीति के लिए है और मुद्दा यही है, प्रमुख मुद्दा यही है जिस पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। जिस तरह से कल उन्होंने पंचायत चुनाव की जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि पंचायत चुनाव में तमाम धांधली हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के पदों पर जोर जबरदस्ती करके जो जिस तरह से प्रत्याशियों का अपहरण किया गया, उनको दबाव में लिया गया, जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, इसके अलावा जो हिंसा हुई पंचायत चुनाव में, महिलाओं से अभद्रता हुई है, गलत व्यवहार हुआ है, उसको लेकर वो बहुत आक्रामक मूड में है। और कल ही इस बात को लेकर उन्होंने गांधी प्रतिमा में, जैसे ही लखनऊ आई है, गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने के बाद वहीं पर मौन धरना उन्होंने शुरू कर दिया था, सत्याग्रह शुरू कर दिया था, करीब 1.5 घंटे तक मौन धरना उनका चला है। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, महंगाई, बेरोजगारी,
ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आगे 2022 का जो मिशन 2022 है विधानसभा चुनाव होने मैदान में उतरेगी, सड़क पर जाएगी और जनता से हिसाब मांगेगी जी। और सबसे प्रमुख उसके लिए ये तीन दिन का जो यूपी दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आएंगी, यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी, इसके बाद भी बैठकों का उनका कार्यक्रम है और इस दौरान 2022 के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है उस पर मंथन होगा। बहुत शुक्रिया विवेक, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरों में वो काफिला दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी का, काफिला थोड़ी देर बाद लखीमपुर खीरी पहुंचेगा। मिशन 2022 के लिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, उनकी लखनऊ में एंट्री को लेकर कल पूरे दिन की तस्वीर क्या रही, कार्यकर्ताओं में कैसा जोश रहा और प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, वो तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल शुक्रवार को जब प्रियंका लखनऊ आई तो कांग्रेसियों का जोश हाई दिखा, प्रियंका का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी के मौन धरने को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। हजरतगंज थाने में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है, जिसमें प्रियंका का नाम तो नहीं है लेकिन अजय लल्लू समेत 600 कांग्रेसियों को नामजद किया गया है। तो उधर दिन ढलते ढलते एक और तस्वीर पर हर किसी की नजर गई। दरअसल कांग्रेस दफ्तर में जिस वक्त प्रियंका मीडिया से बातचीत कर रही थी, उसी वक्त राजस्थान के सैकड़ों अभ्यर्थी भी प्रियंका गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। ये युवक राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती के बजाय रेगुलर रिक्रूटमेंट करने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इनकी मांग को अनसुना कर दिया तो वो राजस्थान से चलकर प्रियंका गांधी से मिलने लखनऊ आ पहुंचे। दरअसल प्रियंका गांधी ने यूपी में संविदा भर्तियों को युवाओं का अपमान बताया था, लेकिन अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद संविदा पर भर्तियां कर रही है। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, मिशन 2022 में जुटी हुई है प्रियंका गांधी, अजय लल्लू समेत 600 लोग नामजद हुए हैं। कल गांधी प्रतिमा के पास उन्होंने जो धरना दिया था कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में, प्रियंका गांधी का इस FIR में नाम नहीं है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत 600 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। वहीं एक तरफ प्रियंका गांधी जब मीडिया से रूबरू हो रही थी तो उनसे मिलने के लिए राजस्थान से बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों का ये ग्रुप आ पहुंचा अपनी मांगों को लेकर, जिसका ये आरोप था कि उनको सरकार नौकरी नहीं दे रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती दे रही है। वही कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती जिसे कभी प्रियंका गांधी ने यूपी के संदर्भ में अभ्यर्थियों का अपमान करार दिया था, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी जो बेरोजगार छात्र हैं वो भर्तियों की बाट जोह रहे हैं, उनको पक्की नौकरी के बजाय संविदा भर्ती यानी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती पर सरकार रख रही है। और इसी का विरोध करते हुए राजस्थान से ये सभी लोग यूपी आ पहुंचे प्रियंका गांधी से मिलने। राजस्थान में बातें और मांगे अनसुनी हुई तो लखनऊ आ पहुंचे प्रियंका गांधी से मुलाकात करने। ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल लखनऊ आई थी प्रियंका गांधी, तीन दिन का यूपी दौरा है, आज लखीमपुर खीरी जाने वाली हैं। और किस तरह स्वागत हुआ प्रियंका गांधी का, कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। कल लखनऊ में सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन की तरफ से 600 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी शामिल हैं। और आज के दिन वो लखीमपुर खीरी जाने वाली हैं, निकल चुकी हैं, रास्ते में उनका काफिला कभी भी पहुंच सकता है लखीमपुर खीरी, जहां पर इंतजार उनका हो रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के साथ अभद्रता हुई थी और उनकी प्रस्तावक के साथ अभद्रता हुई थी, उन दोनों महिलाओं से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। दौरे को लेकर भाजपा नेताओं ने भी निशाना साधा है। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी लखनऊ में पिकनिक पर आती हैं। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका को राजस्थान और महाराष्ट्र जाकर मौन व्रत करने की सलाह दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि कोरोना काल में बहुत से नेता मौन रहे, ऐसे विपक्षी नेता को लेकर चुनाव में जनता मौन हो जाएगी। प्रियंका जी का क्या बात करते हैं, एक तरह के पिकनिक के रूम में आती हैं लखनऊ,
डेढ़ साल बाद आई, हमें लगता है या तो कोरोना में आई कि नहीं आई, हमने डेढ़ साल बाद आई। ये लोग, इनका राजनीति व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मिशन के लिए करती है, गरीब के लिए करती है, इस देश के लिए करती है। आदरणीय मोदी जी देश के नेतृत्व करते हैं, यानी गरीबों के लिए संपूर्ण योजनाएं भी देते हैं और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ाते हैं। स्वच्छता कर्मियों का पैर धोकर उनका सम्मान भी बढ़ाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ बनेगा? स्वच्छता कर्मियों का पैर धोना यानी उनका सम्मान बढ़ाना, ये प्रियंका क्या कर पाएंगे? भारत की राजकुमारी प्रियंका मैडम जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको धरना देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ दें, महाराष्ट्र में जा कर के दें, पंजाब में जा कर के दें। उत्तर प्रदेश से श्रेष्ठ कोरोना का प्रबंधन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नहीं रहा। मंत्रिमंडल जनता ने कुछ लोगों के खिलाफ मौन व्रत धारण किया है। मौन व्रत तो बहुत पहले से चल रहा है कुछ लोगों का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने कोरोना के समय भी मौन व्रत धारण कर लिया था। बहुत से नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हैं, वो घरों में बैठे रहे और मौन व्रत धारण किए रहे। कोरोना के किसी जो संक्रमित व्यक्ति था उसकी सहायता के लिए विपक्ष से कोई नहीं निकला, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी निकले, जनप्रतिनिधि भी निकले। निश्चित रूप में उनका जो मौन धारण का क्रम था वो आज भी चल रहा है और लगता है कि चुनाव तक चलेगा। चुनाव में जनता मौन धारण करेगी, अभी तो नेता मौन धारण किए। तो हमने आपको दिखाया किस तरह प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया।